बीबीआईटी का हर एक बच्चा सिर्फ तीन चीजों का ख्वाब देखता है, डिपार्टमेंट डे, डिपार्टमेंट डे, डिपार्टमेंट डे। और आज आईटी का डिपार्टमेंट डे है। यह वीडियो बनाते समय किसी भी व्यक्ति, जीव या फैकल्टी को ठेस नहीं पहुंचाया गया था। इस वीडियो को फैकल्टी की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला है। वीडियो देखने के बाद अगर हमारे रास्ते कोई भी आया तो गोली नहीं मारेंगे, साले को कह के लेंगे उसकी। और हाँ, ये वीडियो के किसी भी किरदार के पास ना ही हवेली है और ना ही किसी के भी चचा विधायक है। अगर ये वीडियो किसी को भी हानिकारक लगे तो डिपार्टमेंट आईटी है हमरा, आके बता दीजिएगा। तो अभी तक कितनी केटी लगी है तुम? अरे सर, ये तो गलत है। आपको खुद M3 में 3 बार केटी लगा है। The real question should be, M3 छोड़ के कितने सब्जेक्ट में केटी लगा है? मेरे को खुद अभी तक लैपलेस नहीं समझा है। वाइवा और इंटरनल गिनू या नहीं? नहीं, काम करता हूँ, जो साइड में रखता हूँ। लास्ट टाइम फ्रीजर पीते हुए काउंट किया था तो 10 तक याद है। एक काम करो, शिफ्टी के लिए 15 लिख लो। व्हाट काइंड ऑफ रिज्यूमे इज दिस? मैम, ये रिज्यूमे कम और मेरे इंजीनियरिंग लाइफ की कहानी ज्यादा है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यू मेड इट चैप्टर वाइज एंड ईच चैप्टर इज नेम्ड आफ्टर इंडिविजुअल पर्सन। लेट्स सी व्हाट ईच पर्सन हैज टू डू विद योर लाइफ। इंजीनियरिंग के लाइफ का पहला लेक्चर था। 12th और JEE में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे था और सेकंड नंबर पे था गॉड। पहले दिन ही मैं लेक्चर में आंसर दे रहा था। देखते ही देखते मैं और गॉड अच्छे दोस्त बन गए थे। ये क्या पढ़ रहे तू? इससे पढ़ेगा तो पूरे सेमेस्टर एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाएगा। ये ले, संजीवनी बूटी। ये शॉर्मा बने थे वक्त उसके घटने पे रखने जरूरी है क्या? देखते ही देखते सेम2 आ गया था और मैं यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। ओ दिल, तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। एक दिन अचानक डैड मेरी पढ़ाई देखने आ गए। Well done, पुत्तर, सिक्सर। Thank you, Dad. तुम इस बुक से पढ़ रहे हो? हाँ। ये जो डॉन बॉस को मैं मेरिट बेसिस पे सीट मिला ना, उसकी इज्जत करो बेटा। ये टेकमैक्स, ये इजी सॉल्यूशन, ये सब प्लेसमेंट का नाम सामने आएगा। या तो तुम रेफरेंस से पढ़ लो या तो मैं तुम्हारा रेफरेंस आईटीआई में दे देता हूँ। अरे तेरे डैड गूगल के एम्प्लॉय है यार, एंड ही इज सो ओल्ड फैशनड। वो सब छोड़, चल घूमने जाते हैं। अरे नहीं यार, लेक्चर बैठना है मुझे। अरे चल यार, आज नहीं चाहिएगा तो कल पछताएगा। अबे डिफॉल्टर्स में नाम आ जाएगा। डिफॉल्टर्स? अरे वो इंजीनियर इंजीनियर क्या हो तो डिफॉल्टर्स का स्वाद ना चखाओ। मैंने पहली बार बंग मारा क्योंकि दोस्तों ने फोर्स किया था। दूसरे बार बंग मारा क्योंकि आईटी डे की तैयारी करनी थी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही ही ही। और तीसरे बार तक तो मैं बंग एडिक्ट हो चुका था। देखते ही देखते सेम का सबसे भयंकर वक्त आ गया और वो था सबमिशंस। मैं एक एक्सपेरिमेंट नहीं, दो एक्सपेरिमेंट भी नहीं, पूरा का पूरा फाइल कॉपी करके सबमिट कर रहा था। अगर मैम को पता चलता तो शायद इंजीनियरिंग से नाता तोड़ना पड़ता। पर उन दिनों सबमिशन या सस्पेंशन, मेरी चॉइस एकदम क्लियर थी। मैम, ऑल फाइल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, कैन आई लीव? यस,
उस दिन मेरी मुलाकात कमलेश से हुई। कमलेश चल के घूमने इधर चल। कभी फ्रीजर पिया है क्या? नहीं ये सब मैं नहीं पीता। अरे यार तू ये सब टाइम से पहले कैसे सबमिट कर देता है? अरे इंजीनियरिंग में ना एक कहावत है, रेपो छे तो एलओआर छे। ट्रांसलेट कर। रेपो मतलब रेपुटेशन और एलओआर मतलब? एलओआर मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अरे अगर टीचर के साथ तेरा रेपो अच्छा है तो बिना झंझट के एलओआर मिल जाएगा। तेरे पापा गूगल के एम्प्लॉय है? हाँ मेरे डैडी गूगल में एम्प्लॉय है। तू फ्रीजर भी पी रहा है और कॉपी पेस्ट भी कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स? अरे ये गॉड ने आदत खराब कर दी है, वरना सेम वन में मैं भी असाइनमेंट खुद से करता था। ए संजू छोड़ दे ये सब। ए सिर्फ कॉपी पेस्ट की दोस्ती है अपनी। अरे जो अपने बाप की वफादारी नहीं निभा पाया वो मेरी दोस्ती क्या निभाएगा? चल चलता हूँ। ए तुम ऐसे छोड़ के मत जा यार, मैं तेरी जगह होता तो मैं अपनी दोस्त को सुधारता। ए मेरा पेंडर से मेरा। ए इंजीनियर है तू? कोड कोड। कुछ दिनों में डिफॉल्टर्स का लिस्ट लग गया और उसमें मेरा नाम था। मुझे फिर से फ्रीजर पीने का बहाना मिल गया और गॉड ने इस बात का फायदा उठा लिया। गुड मॉर्निंग पुत्र। आप पुणे से कब आए? तो जाके आ गया बेटा। अभी तो सिर्फ 8 ही बज रहे बेटा, दो दिन के बाद तो उठा है। मैंने कॉलेज के टीचरों से बात की है, कहते हैं अंधेरे में एक अच्छा क्लासेस है। नहीं डैड मुझे क्लासेस नहीं जाना। डैड मुझे क्लासेस नहीं जाना। सेम टू का रिजल्ट आया और मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट में केटी थी। डैड डैड मुझे बचा लो। डैड मुझे इंजीनियर बनना है। डैड मुझे बचा लो। डैड मुझे अंदर ही ले आए। सर ने मुझे लिस्ट दिया और कहा अब तक जितने काम किए हैं उन्हें माफ करो। सर परेशान थे कि मुझे अब तक ड्रॉप क्यों नहीं लगा है। सर इन्हें कॉलेज के बाद 2-3 घंटा एंगेज रखना पड़ेगा, आप इन्हें ड्रामा क्लब और डांस क्लब में भेज दीजिए। अगले दिन मेरी क्लासेस शुरू हुई। ऐसा लगता था जैसे अंदर भूचाल मचा हो। कभी राजू के चाय की याद आती थी तो कभी कॉलेज के शॉर्मा की। मैं झेल नहीं पाया और वहां से भाग गया। मुझे फ्रीजर चाहिए था। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक ही इंसान फ्रीजर दे सकता था और वो मुझसे पूरे 1 माला नीचे था। जैसे तैसे मैं उसके पास पहुंच गया। फ्रीजर पिला दिया कमली प्लीज। फ्रीजर पिला यार कमली। कमली फ्रीजर पिला दिया। अरे डैड। हाँ बैठो बेटा। अरे डैड थैंक्स डैड। तो पटा बेटा तुम्हारे माँ की इच्छा क्या थी? She always wanted you to become an engineer. Yes, Dad. An engineer who is recruited in a renowned company or maybe having its own company. This college life is precious, बेटा. Don't waste it with worthless people. Yes, Dad. पिघला दे जंजीरे बना उनकी रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रिकवर होने के बाद मैंने गॉड से हमेशा के लिए दूरी बना ली। आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ। या इट्स 5 ऑलरेडी, वी शुड बी लीविंग। 5:15 ना। आई नो आई एम बोरिंग अगेन। स्टेशन जा रहे हो? शेयरिंग में आ जाए क्या? अरे पर रिक्शा में तो 3 ही लोग आते हैं। आगे बैठेगा ना मैं। समोसा। अरे थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। बाय।
Sir, I told you, it will be a waste of time. Just leave him. Engineering के 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए। इसके साथ 20 मिनट चला जाऊंगा तो क्या चला जाएगा? अरे 5 मिनट सर। Sir, if you don't trust me, just ask him why he doesn't talk to Kamlesh. Thank you. अरे कमलेश तो इंटरव्यू के लिए बैठ रहा है। हाँ यार 24 लाख मिल रहा है तो कोई क्यों छोड़ेगा? सही है सर। So Kamlesh, we know you are a good student. Tell me. Tell me about yourself. My name is Kamlesh Kanalal Kapasi. My friend calls me Saluchan. Din 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 din. I am pure Gujarati. I like eating dhokla. My mom's name is Dayaben. She cooks nice dhokla. And my favorite dance form is Garba. Want to see? Hey, hello. Stop, stop it. Please, please, stop it. So tell me your relationship with Saluchan. I don't feel like talking about him, sir. I considered him as a trustworthy and loyal friend, but he ended up acting like an external examiner. Chole samosa. Okay, let's continue. मैं भी तो था साथ में. तो तुम्हारे और संजू के रिश्ते में दरारें कैसे आ रही हैं? दरारें तो यहाँ आ रही हैं. Okay, let's continue. डॉन बॉस्को में चोरी की वारदात तो सुनी होगी आपने. मालूम है किसने की थी? संजू ने. उन दिनों मैं और संजू बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे. पढ़ाई से लेके मैच जीतने का सेलिब्रेशन हम दोनों साथ में ही करते थे. फिर एक दिन अचानक कॉलेज में क्वेश्चन पेपर चोरी हो गए थे और पूरे कॉलेज में तहलका मच गया था. तब से अचानक संजू का बिहेवियर चेंज हो गया था. बहुत परेशान रहने लगा था वो. फिर एक दिन अचानक कॉलेज के कन्फेशन पेज पे किसी ने ये कन्फेशन किया. मैं भागता हुआ संजू के घर गया और वहां पहुंचते ही, बेटा तुम्हें प्रिंसिपल मैम के सामने बोलना होगा कि तुमने चाबी चुराई थी. बेटा गंगी दस उठवा देना. कुछ महीनों में उस सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ गए. मैंने उस सेमेस्टर टॉप किया था. बस क्योंकि मैं संजू का बेस्ट फ्रेंड था इसलिए लोगों ने मुझे चीटर बुलाना शुरू किया. ऐसे कन्फेशन करना शुरू किया. उस दिन से लेके अब तक मैंने उससे बात नहीं की. मुझे हर बार ऐसा लगता है कि मैं साले से बात करना शुरू कर दूं, लेकिन फिर मैं ये देखता हूं. ओके सॉरी सर, सॉरी मैडम, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता. ओके थैंक यू फॉर योर टाइम, यू कैन लीव नाउ. सेम संजू. अरे संजू देखो रिक्रूटर ने बुलाया. अरे यार कोई चाय मंगा दो यार. अरे जय श्री राम. पवन जिला पड़ी इलाहाबाद जिला पड़ी. संजू कैन यू शेयर विद अस द इंसिडेंस ऑफ पेपरली. आई वाज अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द क्वेश्चन पेपर्स एंड एचओडी कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस. क्या तूने चाबी चुराया? नहीं सर, नहीं चुराया, नहीं चुराया. क्या तूने चाबी चुराया? बताता सर, सब बताता हूं, सब बताता हूं. कॉलेज को ऑटोनॉमस बनना था, उसके लिए कॉलेज डैड से मदद लेने लगा. क्या रे एवीडी विलियस, आजकल तेरा बाप बहुत कॉलेज आ रहे है. लगता उसको अन्ना का वाड़ा पसंद आ रहा है कि कोई मिल गई ली उसको बीएमएम में. What are you saying? Minor language. ए ज्यादा इंग्लिश मेरे सामने झाड़ने का नहीं. इधर मैं क्या जीडी जीडी खेलने नहीं आया है. किसी ने बाइक की हवा निकाल दी है यार. अभी तक तो गाड़ी का हवा ही निकाल ले है. नेक्स्ट टाइम तो तेरा पेंड भी निकलेगा. क्या रे तू तो ईवीडी विलेस से श्रीशान बन गया. मेरी बात सुन, जहाँ वॉचमैन रहता है ना उधर पूरे कॉलेज का चाबी रखे है. उसमें से फर्स्ट रो और फोर्थ एलिमेंट को पॉप कर, मतलब चाबी गायब कर. और सुन कोने वाले एक्टिवा में लगा दे. ये काम ना कल तक हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा बाप भी गायब हो जाएगा. मैंने चाबी चुराया और 6969 गाड़ी पे लगा दिया. दूसरे दिन एग्जाम सेल से क्वेश्चन पेपर चोरी हो चुके थे. पूरे कॉलेज में तहलका मच गया था. सीसीटीवी फुटेज में मेरा चेहरा सामने आया. मैं डर गया था. मैं किसी से बात नहीं कर रहा था. मुझे पता नहीं था कि वो चाबी एग्जाम सेल की थी.
मैं बस डैड को सेफ देखना चाहता था। जब कॉलेज के कन्फेशन पेज पे ऐसे कन्फेशन आने लगे तब डैड कन्फेशन पेज के एडमिन से मिलने गए। अरे सर आप आइए आइए। दिन के कितने कन्फेशन पोस्ट करते हैं आप? यही कुछ 10-15। 5 कर दीजिए। क्यों? फिर आपको कन्फेशन मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरी शिकायत एचओडी से कर सकते हैं। मैं आपसे लड़ूंगा कैसे? आपके पास तो फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप जो मर्जी पोस्ट कीजिए, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा के। आपका बेटा ये सब करता है कॉलेज में? आपका बेटा उन प्रोजेक्ट टास्क के 3 घंटों की तरह है। मतलब यूजलेस। फ्रीजर पिए बिना तो उसका एक दिन नहीं जाता। मार्क्स भी उसको आपकी वजह से मिलते हैं। इतने सारे डेड केटी है कि प्लेसमेंट तो होने से रहा, चोरी किया है उसने। इन शॉर्ट फिनिश। एडमिन साहब, मेरा बेटा कोई इंजीनियर का सेमेस्टर नहीं है, जो एक बार क्लियर हो गया तो वापस नहीं आएगा। आपकी भविष्यवाणी में गलत साबित करके रहूंगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। मिलेंगे एक दिन। क्योंकि डैड की कॉलेज में बहुत रिस्पेक्ट थी, इसके लिए एचओडी सर हमारे घर आए ताकि केस रफा दफा हो जाए। बेटा तुम्हें प्रिंसिपल मैम के सामने बोलना होगा कि तुमने चाबी चुराई थी। बेटा गंगी 10 मिनट बाद आना। डैड मुझे तो चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। डैड वो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अब्रॉड जाके इंजीनियरिंग कर लो। डैड पूरा कॉलेज चोर चोर बोलेगा। वो तो अभी भी बोल रहा है। और डैड आपकी इज्जत का क्या? आपके अपने बाप के सिर पे लिख दू कि वो चोर का बाप? आपने इतना इज्जत कमाया, उसे 1 सेकंड में उड़ा दू। बेटा तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अब्रॉड जाके इंजीनियरिंग कर लेना। देख मैंने इंजीनियरिंग पूरी तो नहीं की, बट इतना तो बता सकता हूं कि तू जो एडवाइस दे रहा है वो झट एडवाइस है। आई एम नॉट अ चोर। बिल्डर पुत्र सिक्सर। बहुत दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई ये प्रूव नहीं कर पाया था कि मैंने ही एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन पेपर चुराए थे, पर मुझे चाबी चुराने के आरोप में 1 साल का ड्रॉप लग गया। तो 30 मार खान। क्या सर आप भी? मेरे कंपनी का टर्नओवर 150 मिलियन है, तुम रेडी हो तो? What rubbish यार। ए तू चुप रहे, तेरे से होता ना तो 3 बार M3 नहीं दिया रहता। इन दोनों का रोज क्या है? यू कंटिन्यू। ड्रॉप ईयर में मैंने इंटर्नशिप किया और आज आपके सामने प्लेसमेंट्स के लिए बैठा हूँ। अगर आपने मुझे जॉब नहीं दी तो ठीक है, अगर आप कंपनी को भी जॉब नहीं दोगे तो मुझे भी नहीं देना। Why completely different talk stream? All because of this confession, sir. एक मिनट, I'll show you. कैप्शन में क्वेश्चन मार्क डाल के एडमिन ने ये पोस्ट कर दिया। अब मेरे लाइफ की एक ही तमन्ना है, कमली से बात करनी है। अरे कमली, एलओआर मिला कि नहीं? अरे तेरे बिना एलओआर कैसे लू? अरे गले लग जा यार। Why you guys hugging? Are you hugging because we are gonna hire you both in the company? अरे आज तो मैं भी फ्रीजर पीऊंगा। एक मेरे लिए भी। एक बोला हेडलाइन में 10 हो गया, बाबा बोलता है अभी 5 हो गया, 5 हो गया। According to the sources, abhi chup.